का टॉपिक है बिहार बोर्ड 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग हल करेंगे व्याख्या सहित। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। गुणनफल कितना दिया है 8, c के मान क्या दिया है a, और एक के मान क्या दिया है कुछ नहीं, तो एक यानी ये बराबर हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है π r + 2 r। परिमाप क्या दिया है 72। देख लीजिए आप ध्यान से, हमको क्या पूछ रहा है त्रिज्या। अगर यहाँ पर आप r कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा π + 2, यानी हो गया 72 r। पाई का मान होता है 22/7 + 2। 72 r दोनों कैल्सियम ले लीजिए, 1 और 7 का 7 हो जाएगा, ये 22, ये 7 × 14 72, और ये हो गया r गुने, दोनों को जोड़ दीजिए यानी हो जाएगा ये 6 36/2, ये हो गया आठ, बराबर हो जाएगा 72 × 7/36। देख लीजिए, दो मरतबे काट दीजिए, आर के मान हो गया 7 × 14। आपसे आर ही पूछ रहा था, यानी 14 इधर गया आर का मान। देखिए इसमें मिस्टेक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यानी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में पहले ही बतलाए हुए हैं, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। देखिए, मात्र 29 एक संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी अभाज्य संख्या ही होगी। बोला यदि बहुपद x² + x - b के मूल बराबर हो, तो मूल बराबर हो यानी अल्फा बराबर बीटा हो, दोनों मूल बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह हो। चिन्ह बोला विपरीत, यानी वो प्लस है वो माइनस, तो ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -b/a होता है फॉर्मूला। तो माइनस बी के मान देख लीजिए क्या है a, a के मान कुछ नहीं है तो 1 होगा, बराबर 0, यानी ये बराबर हो गया 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, एक पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा इसका सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5, पासा मतलब जाने लूडो छक्का वाला। अब देख लीजिए कुल परिणाम कितना हो गया, 6 गो संख्या है। अब बोले अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए अभाज्य संख्या कितने हैं 1 2 3, और टोटल संख्या कितने हैं 6, कैंसिल कर देंगे 2, यानी 1/2 हो जाएगा। बोला दो समांतर, 6 नंबर प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा है दोनों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करे। एक वृत्त मान लीजिए दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, तो देखिए वृत्त का व्यास हो गया पूरा 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। जब व्यास है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आधी होती है, तो 14 की आधी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल, एगो a1 मान लेंगे एगो a2 मान लेंगे, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल π r² है, इसको 1 इसको 2 मान लेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 4:1। अब त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब देखिए हो गया r1² आई हो गया r2 का, ये दोनों का स्क्वायर मान लीजिए, इधर स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो r1 r2 हो गया। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है देख लीजिए, 4 का हो जाएगा 2 1 1, यानी 2:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता 0, असंभव के असंभव है तो 0। यहाँ देख क्या बोला है, किसी घटना की अधिकतम मान क्या होता है, तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखीय समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 कैसा हल होगा, जांच कर लेते हैं।
प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5 y माइनस 1 बराबर 0। ये होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 बटा x इसके पीछे कुछ नहीं देखोगा, नीचे 2 हो गया 3, ये नीचे हो गया माइनस 5। जब पहला ही बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका हो जाएगा इसमें से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवरोधी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 को माइनस 4 के कोटि का मान होगा। याद रखिएगा एक्स के निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई वाला को कोटि, तो पहला वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि, कोटि क्या हो गया माइनस 4। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो उनके ग्राफ कैसा होता है? देखिए जब कोई हल नहीं होगा तो समांतर होगा, जब एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, अनेक हल होगा तो संपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है, 3.27 कैरेक्टरिंग क्या है? देख लिए 3.27 का मतलब है 327 में से, पूरा 327 में से 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 324, बट्टा में कितने संख्या पर रख, दो संख्या पर 2 9 दे देंगे, यानी यह क्या हो गया परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 14 में यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, देखिए एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर स्पर्श करे, कहीं भी एक बिंदु पर क्या होगा तो स्पर्श करे। नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष दिया हुआ है, अगर केंद्र दिया है तो तीसरा शीर्ष पूछ रहा है। सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, सबको मिला दीजिए, बंद आकृति होना चाहिए। ए का हो गया 2.3, बी दे दिया माइनस 1.-3, सी नहीं दिया है लेकिन केंद्रक दिया है 3.0, तो सी का मान पूछ रहा है, तीसरे शीर्ष सी का नियामक होगा। तो त्रिभुज के केंद्रक बराबर फॉर्मूला याद रखेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। देख लीजिए केंद्र कितना दिया है 3.0। अब x1 देख लीजिए, इसमें x1 क्या है 2, x2 क्या है 1, x3 y3 नहीं दिया है तो x3 का x3 बटा में जाएगा 3। y1 देख लीजिए क्या है 3, y2 क्या है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस y3 बटा में क्या हो जाएगा देख लीजिए 3, हो गया 3.0, जोड़ दीजिए तो जाएगा 3 प्लस x3 बट्टा में 3, हो जाएगा y3 बट्टा में 3। आप देख लीजिए अब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसको हम 3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस x3 बट्टा में 3, क्रॉस गुणा कर दीजिए इसके एक छुपा है तो हो गया 3 प्लस x3 तृतीया 9, 3 प्लस x3 बराबर हो गया 9, x3 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3 हो जाएगा -3, x3 बराबर हो गया 6। अब y वाला y के बराबर कर देगा तो 0 बराबर हो गया y3 बटा 3, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो y3 का मान हो जाएगा 0, 6.0, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से cos थीटा के बराबर कौन होगा? एक फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमको cos थीटा के बराबर पूछ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। PP तथा TQ किसी बाह्य T से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई स्पर्श दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एक स्पर्श रेखा है T, इसको मान लेते हैं टी पी क्यू, ये हो गया ओ, खींची गई है स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ओ का दिया हुआ एंगल जो बीच वाला होता है उसी का एंगल रहता है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, आधा आधा बांट देंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। हम लोग जानते हैं त्रिज्या का कोण कितना होता है 90 डिग्री, त्रिज्या का कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है ओटीपी यानी टी का मान पूछ रहा है, तो देखिए एक तरह से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और देखिए 60 90 कितना हो गया 150,
150 में कितना जुड़ेगा तो 180 होगा यानी 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अगला प्रश्न है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर का मान होगा, हम फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा, लेकिन यहाँ क्या किया है सेक को बाद में कर दिया है, तो कॉमन ले लीजिए इसमें माइनस, अगर कॉमन ले लीजिएगा माइनस एक तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला अगर मान लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, अब माइनस इसका फॉर्मूला एक होता है यानी माइनस एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, देख लीजिए 15 कॉट ए बराबर 8 है, सबसे पहले कॉट ए लिख लीजिए 8 बटा 15 हो गया, त्रिभुज बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, फॉर्मूला होता है धार बटे लंब, धार आपको हो गया 8, लंब हो गया 15, कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 64, दोनों के जोड़ दीजिए 289 या 289 का गुणनफल होता है 17, किसका पूछ रहा है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका है 15 और कर्ण आ गया 17 यानी 15/17, ऑप्शन नंबर ए। 21 में है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, देखिए अगर हम 2m को लेंगे तो दो, अगर m के मान एक भी दीजिएगा तो सम होगा, दो भी दीजिएगा तो सम होगा, तीन भी दीजिएगा तो सम होगा यानी 2m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का प्रश्न है किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो देखिए हम लोग जानते हैं गोला, क्वेश्चन नंबर 22 है किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं किसी गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², क्या दिया है गोला के वक्र पृष्ठ 144 पाई हो गया 4πr², देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब देखिए ये हो गया 144 गुना में हो जाएगा भाग में आर स्क्वायर, इसको भी आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा 2, फिर इसको कर दीजिए तो 36 यानी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा तो रूट 36 बराबर 8, तो आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, ये क्वेश्चन हम 2015 वाला भी सेट में बतलाए थे, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था बतलाए हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। टेन 65 डिग्री बट्टा में कॉट 25 डिग्री का मान एक होता है, देखिए कैसे होता है, अब ये बतलाए एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा एक हो जाएगा, कौशिक 45 डिग्री का मान होता है, देख लीजिए कौशिक 45 का क्या मान होता है रूट 2। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं लिख पाए हैं, इसका क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो 3:5 है भुजा का अनुपात है 3:5, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बतला है क्षेत्रफल में बढ़ कर दीजिएगा तो 3 का हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25 यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें है निम्न में से कोण अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए ये तो अपर में है चूंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा, ये भी अपर में है ये भी अपर में, ये एक ऐसा संख्या है देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा 81 का 9, ये रूट से बाहर हो गया यानी अपर में हो गया, आ यही तो संख्या जो अपर में नहीं है यानी ऑप्शन नंबर ए। पी प्लस 1 2 पी प्लस 1 40 माइनस 1 ए पी में हो तो पी का मान, ए पी कब होता है ए पी कब होगा जब आपस में डी बराबर होगा, तो पहले डी निकाल लेते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू देख लीजिए क्या है 2p प्लस 1 माइनस ए वन क्या है p प्लस 1,
हो गया कि 2p+1 माइनस से गुना करेंगे, -p -1 ये से कैंसिल, 2p में से 1p गया, p हो गया। फिर d निकालेंगे, a3 हो गया 4p-1, माइनस a2 हो गया 2p+1, तो ये हो गया 4p-1 -2p-1। ये आप देख लीजिए, इसमें देखिए इसमें भी माइनस है, 4p-1 आई भी माइनस हो गया, यानी कुल मिला के हो गया 4p में से 2p घटेगा, तो 2p -1 -1 -2। अब दोनों का d समान होगा, ap है तो d बराबर d होगा, यानी कि हो गया p = 2p-2। पी प्लस इधर आएगा तो -2p -2, इसको घटाएंगे तो -p हो जाएगा -2। इसे कैंसिल, p के मान हो गया 2। ऑप्शन नंबर किधर हो गया, b। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय x+2y = 3, 5x+q y = 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होते हैं, जब a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। A1 हो गया ये, B1 C1, A2 B2 C2, A1 क्या हो गया 1, ये हो गया 5, हो गया 2 और ये हो गया k। यहीं पर निकाल लीजिए, 1 में k से गुणा तो k हो गया, ये 5 × 10, ऑप्शन नंबर हो गया B। 30 नंबर प्रश्न है, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। पहले ही बतलाया था बहुलक वही संख्या होता है जो आंकड़ा या संख्या में जो सबसे अधिक पढ़ाया है। देखिए 3 आया है 2, 3 बार, सबसे अधिक बार 3 है, यही बहुलक हो जो भी संख्या सबसे अधिक बार हो। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या क्या होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो 1, 3, 5, 7, 9। देखिए प्रथम 5 को विषम संख्या बोला था, 1, 3, 5, 7, 9, 5 हो गया। माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला तो सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भाग कर दीजिए, देख लीजिए हो गया 4, 4, 5, 9, 9, 7 हो गया 16, यानी कुल मिला के 25 आ जाएगा। 25 में 5 से भाग कीजिएगा 5, माध्य आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोला किसी त्रिभुज ABC में एंगल ए समकोण है, बोला ABC में ए समकोण है, उसका BC 13 सेंटीमीटर और AB 12 सेंटीमीटर, AC बराबर होगा, AC आधार हो गया, आधार का फॉर्मूला था कर्ण स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ये हो गया 144, घटा देंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया C। cos के बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos² a का मान होगा, 1 - 2 cos का मान क्या दिया 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1 - 2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 मतलब कैंसिल, हो गया 1 - 1/2, लघुत्तम लेंगे 2, तो 2 * 2 - 1, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर हो गया ए। 34 नंबर प्रश्न है, यदि cos 1 90° - θ -sin 90° - θ किसके बराबर होगा, तो देखिए cos 1 90° - θ बराबर होता है sec θ, और sin 90° - θ होता है cos θ, और cos θ - sec θ यानी उल्टा का गुना 1 होता है। द्विघात बहुपद, इसमें शून्य निकालना है, x² + 3x + 2 का शून्य गुना करके 2, गुना करके 2 लाना है और जोड़ करके 3, यानी 2 और 3 से होगा x² + 2x + x + 2, दोनों में x कॉमा ले लेंगे, x + 2 हो जाएगा, इसमें एक कॉमा लेंगे, x + 2 हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट मिल गया x + 2, ये होगा x + 1, शून्य को बोला था तो बराबर शून्य कर देंगे, लिखेंगे अब x + 2 = 0, x = -2, फिर x + 1 = 0, तो इधर हो गया -1, यानी -2 और -1 किस ऑप्शन में है, देख लीजिए -2 और -1 इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, एक शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन होता है 1/3π r² h, शंकु का आयतन कितना दिया है 1570,
बोल रहे हैं जी इसका आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर, दीर्घ एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 314 गुणे एच बराबर 1570, इसीलिए बराबर हो जाएगा 1570, ये भाग में चलेगा गुना में और गुना वाला चलेगा भाग में, इसको आप कैंसिल करेंगे पांच से कट जाएगा, यानी एच बराबर हो गया 5 × 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 में है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दू एक्स माइनस छ के शून्य का अल्फा और बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, सी क्या है, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, तो सी हो गया माइनस छ, ए कुछ नहीं तो एक है यानी माइनस छ, ऑप्शन नंबर बी। किसी समचतुर्भुज में देख लीजिए, इसका विकर्ण दिया हुआ, एक का दिया, एक का दिया विकर्ण कितना 40, 40 का आधा हो जाएगा 20, एक का दिया 30 यानी इसका आधा हो जाएगा 15। तो देखिए लंब और आधार दे लिए, कर्ण निकाल देंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा, तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 15 का 225 यानी हो गया 625, 625 का वर्गमूल होता है 25, ऑप्शन नंबर सी। संचयी विडंबनता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होने का नियम है कि नीचे में हर में हमेशा या तो 2 होगा नहीं तो 5 होगा तब शांत होगा, देखिए इसमें 3 × 5 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाती है, तीनों अशांत हो गया, तो शांत कौन है, ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए। किसी वृत्त की परिधि दे ले है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, परिधि कितना दिया है 462, 2π के मान 22/7 गुणे हो गया 462, ये था गुना में भाग में तो आ गया गुना में, और नीचे आ जाएगा 2 × 22, इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 × 3 = 1 हो जाएगा ये, उसके बाद देख लीजिए और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको गुना कर देंगे 7 से, हो जाएगा 7 × 21 = 1 × 7 = 14 = 16, इसको 22 से भाग कर दीजिए, नेक्स्ट क्या मतलब ये आएगा, 6 से लगाइएगा 7 से लगाइएगा 8 × 7 = 16 × 6 = 7 से लगाइए 7 × 7 = 14 × 4 = 14 = 15 यानी 7, देख लीजिए 7 के ऑप्शन में उसके बाद बनाइए और देख लीजिए, ये हो जाएगा 11 में से 4 यानी 7 हो जाएगा, और ये कैंसिल, फिर 77 देख लीजिए, 11 × 22 = 66 यानी 73 किधर है, ऑप्शन में ए, तो ये हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण, इसका मूल वास्तविक ऑप्शन देखिए, जब पहले डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या हो गया 4 − 4, a के मान हो गया k, और c के मान हो गया 1, 4 × 6 हो गया 16 माइनस 4k हो गया, यानी देखिए ये क्या बोला, नियम क्या बोला देख लीजिए, इसको हम कैंसिल करेंगे, देखिए अब मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा हो, तो d का मान क्या है देख लीजिए 16 − 4k, और 0 से बड़ा है 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 − k हो गया, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा यानी ये हो गया, देख लीजिए तो k बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, ये इधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक मीनार है, देख लीजिए इसका हम क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक मीनार है और एक बिंदु से 100 मीटर दूर है, और इसके द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है ए बी सी, तो आपको मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, देखिए आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार किसका होता है 10 θ, थीटा क्या है 60, ये हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, 10 × 60 का मान √3, ए बी का ए बी हो जाएगा, देख लीजिए बी सी का मान क्या दिया है 100, प्लस गुना कीजिए तो ए बी आई हो जाएगा 100√3, 100√3 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर में है,
वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा में वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। एक बात हम जानते हैं कॉस एक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला जान रहे, उसके ऊपर कहा हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर थीटा और नीचे कहा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस एक का फॉर्मूला होता है एक बट्टा साइन स्क्वायर थीटा और इसका होता है एक बट्टा सेक हो जाएगा सॉरी सेक स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक बट्टा कॉस स्क्वायर। जब बड़का बटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में, यानी कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है बिंदु 2.3 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु की दूरी जान रहे हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान हो गया 2 तो 2 का स्क्वायर, वाई के मान 3 तो 3 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 आई हो गया 9, रूट अंडर 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसका त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है तो आयतन होगा, तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बिंदु -2, 3 और 4 एक को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का जान लीजिए क्या होता है फॉर्मूला x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। x1 क्या है -2, x2 क्या है 4/2, आप देख लीजिए x1 x2 हो गया, अब y1 3 है y2 1 है बट्टा में 2 है, ये हो गया 2/2 और ये हो गया 4/2, कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2 यानी 1.2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिंदु 4.3 किस पाद में है तो चतुर्थांश तो पहले ही पढ़ रहे कि प्लस प्लस प्रथमा में होता है इसीलिए हो जाएगा प्रथम में। 49 नंबर है किसी यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी छठा पद का फॉर्मूला होता है a+5d और ब्राह्मा पद यानी ब्राह्मा पद का होता है a+11d, एक दिया है 13 एक दिया है 25, समीकरण बना लीजिए इसको, इसको बना लेंगे a का ही हो जाएगा 2, इसे कैंसिल 5 में से 11 गया -6, 13 में 24 गया -12, डी बराबर हो जाएगा -12/-6 यानी डी का मान हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, एक क्या है a+5d = 13 तो a+5d के मान क्या आया है 2/13, 5 × 10 = 13 हो जाएगा इसीलिए बराबर 13 - 10 यानी हो गया 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखे त्रिभुज ABC है ABC, इसमें DE समांतर है किसके BC के, AD के दिया है 3, DB दिया है 5, AE दिया है इतना और EC पूछ रहा है, तो थ्योरम है कि AD/DB और AE/EC, इसका मान दिया हुआ था AD/DB का 3/5 हो गया AE, AE का मान है 8.8 EC का EC लिखेंगे EC बराबर, इसमें इसे गुना करेंगे 24 हो जाएगा बट्टा में 3 काट दीजिए 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।